नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टॉक न्यूज़ बार में। सबसे पहले देखिए न्यूज़। सबसे पहले क्या है, न्यू कंपनी बाय करने की बातें चल रही हैं और ये कंपनी 5,500 करोड़ में बाय करने की बात चल रही है। दूसरी खबर किसके रिगार्डिंग है, नेपाल में एंट्री कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, तो वो भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेपाल में इन्होंने अपने कमर्शियल व्हीकल से एक्चुअली में शुरुआत कर दी है। कमर्शियल व्हीकल जो इनका एस है उसकी ईवी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं खबर पे। टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दिया क्या ACV नेपाल के अंदर। अब देखिए, टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट के मामले में बहुत पीछे है, एक्सपोर्ट करता ही नहीं है ज़्यादा गाड़ी है, ना महिंद्रा एंड महिंद्रा ना टाटा मोटर्स। तो नहीं, अपने एक्सपोर्ट भी बनाने होंगे, इंडिया पे पूरी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, इन्हें बाहर के देशों में भी ये वाले अपनी चीज़ें करनी होंगी। तो आज 620 पे है, मुझे कोई डाउट नहीं है। देखिए, स्टॉक 550 चला जाए, 90 चला जाए, जितना चला जाए कि फ्यूचर का चैंपियन होगा इस वक्त। देख, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर आपको ये याद रखना होगा स्टॉक बहुत अच्छा है। दूसरा, टाटा कंज्यूमर ने क्या करा है, चिंग्स चाइनीज, आपने नाम सुना होगा, उसको 5,500 करोड़ में एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है टाटा कंज्यूमर और रेस में सबसे आगे है। तो अगर एक्वायर कर लेता है तो देखिए इनका मार्केट शेयर अपने आप देख, धीरे धीरे टाटा कंज्यूमर भी बहुत बड़ा HUL को भी रिप्लेस करेगा आप आने वाले टाइम में, याद रखिएगा। दोनों स्टॉक बहुत शानदार है आने वाले टाइम के लिए, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स, दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज स्टडी जरूर कीजिएगा। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, 870 पे ये मिल रहा है, 620 पे वो मिल रहा है, स्टॉक बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, खबरें अच्छी हैं, तो प्लीज स्टडी जरूर कीजिए।